दोस्तों लोग जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं एक जगह वो फंसते हैं लेबर रेट में, तो वहां धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेबर रेट में क्या क्या काम होते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा, टाइलिंग का क्या लेबर कॉस्ट पड़ रहा है, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का, पुट्टी का, फिर जो इस समय मटेरियल रेट क्या चल रहा है, सीमेंट, सैंड, ब्रिक, स्टील, पुट्टी, टाइल, वाटरप्रूफिंग का, और बहुत चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको लेबर रेट क्या देना चाहिए, तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें थोड़ा मैं क्लियरेंस आपको दूंगा कि आपको लेबर रेट के हिसाब से घर बनाना चाहिए या फुल मटेरियल आपको दे देना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन पहले वीडियो आई फुल मटेरियल के साथ, जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर वीडियो देखना, आपको आइडिया लगेगा घर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आता है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कितना लमसम आपको खर्चा आएगा, तो कंप्लीट वीडियो देखो। वीडियो मैं शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ सिविल साइट विजिट पे मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये मत सोचना ऐसी वीडियोस आपने देखी हैं कहीं नहीं देखी हैं। तो 235 से 250 रुपए इस समय रेट है, मोस्टली यही रेट हर स्टेट में मैं पकड़ूंगा कि यही रेट चल रहा है, जिसमें आपको करके क्या देगा। ये मैं बात कर रहा हूं लेबर रेट का, मतलब मटेरियल आप खरीद के दोगे, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल आपका, लेबर उसकी, ठीक है। उसमें आपका आरसीसी का होता है, मतलब कॉलम, फुटिंग, बीम, स्लैब, फिर ब्रिक वर्क भी करके देते हैं, कुछ जगह प्लास्टर भी करके देते हैं, 250 यहां रेट है, ठीक है। ये रेट में, मतलब इस रेट में, लेबर रेट में आपका ये काम होता है, क्लियर। फिर उसमें शटरिंग भी ठेकेदार की होती है, ये याद रखना, शटरिंग ठेकेदार की, लेबर ठेकेदार की, और उसके जो इक्विपमेंट्स होंगे वो ठेकेदार के, वाइब्रेटर हो गया, जहाँ जो भी एसेसरीज चाहिए, ये इसमें क्या करते हैं ठेकेदार, रेट ये कर लेते हैं, ठीक है, 250 रेट कर लिया। फिर यहाँ शटरिंग का भी थोड़ा बहुत बोल देते हैं आपको, इक्विपमेंट का भी बोल देते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये रेट आप कर रहे हो तो आपको इतना है। अगर हम इसको एग्जांपल समझते हैं एक, कि अगर आप विद लेबर काम करवा रहे हो, मटेरियल अपना ला रहे हो, तो कितना खर्चा पड़ जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर पकड़ते हैं, कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपका जितना भी है, तो 250 हमने रेट पकड़ा, उसमें हमारा 2.5 लाख लेबर कॉस्ट आ जाएगा, कितना, 2.5 लाख रुपये लेबर कॉस्ट आ जाएगा, बाकी मटेरियल का खर्चा अलग से आपका लगेगा। ये होता है उनके लिए जिनको मटेरियल का नॉलेज है, लेकिन लेबर का दिक्कत झंझट नहीं लेना, तो आप लेबर कर सकते हो। फिर विद मटेरियल अगर लेते हैं, इस पर अलग से वीडियो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग कहा वो अलग से देख सकते हो। विद मटेरियल अगर करने जाते हो, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 1600 आपका कुछ पड़ता है, 1650 पकड़ के चलते हैं हम, लमसम इतना रेट पड़ता है फिनिशिंग तक, ठीक है। तो आपका 16.5 लाख रुपया कुछ खर्चा आपका आ सकता है घर बनाने में, विद मटेरियल आपने ठेकेदार कर लिया और करवा दिया, लेकिन कैसे करना है वो करना है, उस पर वीडियो है। फिर हम बात करते हैं टाइलिंग अगर आप करवाते हो। देखो, हमारा प्लास्टर तक काम खत्म हो गया, फिर टाइलिंग का काम आता है, तो टाइलिंग में जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका जो भी रूम होगा, तो जितने बाई जितने का रूम है या जितने बाई जितने का है, तो 14 से 16 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, और एवरेज पकड़ लेते हैं वो, आपकी फ्लोरिंग का भी यही रेट ले लेंगे, आपकी वॉल का भी ये रेट ले लेंगे, लेकिन कम रेट के चक्कर में, कि कुछ लोग 12 भी करेंगे, कुछ लोग 11 भी करेंगे, तो उनका क्वालिटी खराब हो सकती है। आप भले देखो 3-4 आपको कॉन्ट्रैक्टर को तो पूछना चाहिए, लेकिन उनसे उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जरूर देख लो। मेरे साथ जो जब मेरे घर की कंस्ट्रक्शन हुई थी, मैं तब इंजीनियरिंग कर ही रहा था, तो उस दौरान काफ़ी चीज़ें हुई हैं ये चीज़ें, मतलब कम रेट में कॉन्ट्रैक्टर तो कर लिए, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी, और मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि सर एक बार पुराना काम इनका देख लीजिए, तो नहीं देखा, तो उस कारण हुआ क्या, क्वालिटी बहुत खराब गई है काम की। तो हमेशा मैं तो मस्ट एक सुजेशन दूंगा, जिससे भी आप काम करवाओ उसका पुराना काम एक बार देख लेना। फिर प्लम्बिंग पे आते हैं हम, प्लम्बिंग पे देखो, प्लम्बिंग पे आपका अगर लेबर खुद का, मतलब एक प्लम्बर हायर करना है, वो लेता है 800 रुपये पर डे का, 8 घंटे का, ठीक है, 800 रुपये लेगा, वो काम अपने हिसाब से करवाओ, लेकिन वो काम अच्छा करके नहीं देते हैं, दिहाड़ी बढ़ाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, 25 से 30 रुपये रनिंग फीट वो लेते हैं, हॉट वाटर भले कोल्ड वाटर, तो जो जो जहाँ जहाँ पाइप आपकी जाएगी, ठीक है, उसको वो मेजरमेंट करते हैं, जितना रनिंग फीट होगा मतलब पूरे घर में, वो 25 से 30 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से लेते हैं। और जो मोटी पाइप रहती है 3 इंच की 4 इंच की, उसके लिए थोड़ी एक्सकवेशन करनी पड़ती है उनको, जो फिलिंग करनी पड़ती है, तो 65 रुपये रनिंग फीट उसमें लेते हैं, भले कि टाइम उसमें कम लगता है, मैंने देखा, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन प्रिकॉशन उतने ज़्यादा लेने पड़ते हैं। जब उसकी फिलिंग करवाऊँ ना, प्रॉपर से कॉन्क्रीट से ये सब चीज़ें करके ही फिलिंग करवानी है, और स्लोप देना, उसमें स्लोप का दिक्कत रहता है, स्लोप पहले दे देना। इलेक्ट्रिशियन का जो पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, तो कहीं जगह ये देख रहे होंगे कि रेट ज़्यादा है, लेकिन इस रेट में आजकल काम चल रहा है, 170 रुपये पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, पूरा आपका घुमा के वो दे देंगे।
पुट्टी का अगर हम बात करें, पुट्टी का 3 से 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। ये 2023 में थोड़े रेट बढ़े हैं, पहले ये आपको 1 से 2 रुपए में भी मिल जाते थे, इसमें 2 कोट को करके देगा। पेंट की अगर हम बात करते हैं, 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट का इस समय चल रहा है। ब्रिकवर्क का अगर हम बात करें तो आपका 25 से 27 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय रेट चल रहा है, उसको मेजरमेंट करके वो ले लेते हैं। इसमें मटेरियल आपका लेबर रेट में आपको बता रहा हूँ। प्लास्टर वर्क का 15 से 18 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय रेट चल रहा है। फिर हम बात करते हैं बीवीएस की, इसको मैं थोड़ा साइड रख दूं, जो सरिया कटिंग बेंडिंग वो करना है, तो टन के हिसाब से देखें तो 5500 या 6000 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से रेट भी चल रहा है। फिर मतलब कुछ लोग केजी में लेते हैं तो 5 रुपए केजी पर रेट चल रहा है, क्विंटल में भी 550 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से रेट चल रहा है। तो ये कटिंग बाइंडिंग सब कुछ वो करके उसमें देंगे, बाइंडिंग वायर आपकी रहेगी। वाटरप्रूफिंग छत पे करवाते हो लेयर्स तो 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। मटेरियल रेट की अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो एवरेज जो पकड़ के चलो आप, तो सीमेंट का रेट चल रहा है 410 से 430 रुपए बैग। उसमें हमारा ACC भी आ गया, अल्ट्राटेक भी आ गया, अंबुजा आ गया, अच्छे अच्छे सीमेंट सब आ गए, 410 तक रेट पहुंच चुका है। कई जगह 20, कई जगह 30 भी मिलता है। तो इसमें अगर वाटरप्रूफिंग सीमेंट की तरफ आप जाते हो कि वाटरप्रूफिंग सीमेंट हमें लगवाना है, तो वाटरप्रूफिंग सीमेंट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो इससे 30 से 40 रुपए महंगा होता है। मतलब वो आपको 450-60 ऐसे आपको वो मिलेगा वाटर, वो स्लैब के लिए जो उस पर सुरक्षा कवच वबच जो रहते हैं, मेरे ख्याल में वो कोई इतने कोई टेक्नोलॉजी उसमें यूज नहीं है। आप सिंपल यूज करो, वाटरप्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लो और वाइब्रेटर चलाओ और थिकनेस चेंज दो, कुछ नहीं होगा। सैंड अगर हम बात करते हैं, जो ब्राउन सैंड देखने को मिलते हैं, बालू हमारा मिलता है, वो 50 से 70 रुपए पर CFT के हिसाब से मिलता है, लेकिन क्वालिटी चेक कर लेना, उसमें सील नहीं होनी चाहिए। फिर ब्लैक जो सैंड रिवर सैंड रहती है वो 55 से 60 रुपए पर CFT इस समय मार्केट में अवेलेबल है। फिर जो एग्रीगेट है हमारा 10 mm का और 20 mm का, तो ये टन में भी आता है, कई जगह अलग से आता है, CFT में भी आता है। तो टन में हमें बात करें 500 से 600 रुपए टन है, लेकिन CFT में भी 60 से 65 रुपए पर CFT के हिसाब से भी आपको एग्रीगेट मिल जाएगा। 20 mm का 580 मतलब 600 से 700 रुपए टन के हिसाब से मार्केट में आपको मिलेगा। ब्रिकवर्क जो रह रही है, ब्रिकवर्क इस समय 10 रुपये ब्रिकवर्क हो गई है, लाल ब्रिक एक अच्छी क्वालिटी की, फ्लाई एश की आपको सस्ती मिल जाएगी, 7 से 8 रुपये में वो ब्रिक मिल जाएगी। जो स्टील का इस समय रेट है, स्टील आपको 75 से 85 में मिल जाएगा, टाटा का आपको 85 तक GST के साथ मिल जाएगा, अच्छी अगर किसी अच्छे रिटेलर से लेते हो। फिर सेल का, विजय का, ये अच्छी कंपनी, जिंदल पैंथर यूज़ करो वो भी अच्छा है। पुट्टी आपको 30 से 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी। बैग जो रहता है इसका 40 केजी का, वो अप्रॉक्स 800 से 900 रुपए में आपको मिलेगा। टाइल की अगर हम बात करते हैं तो 35 से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है, इसमें क्वालिटी आती है। आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स आ रही हैं, वो थोड़ी महंगी हैं, 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलती है। तो ये चीज़ें, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया कि आपको क्या रेट है और आपको घर किससे बनाना है, ये चूज आपको करना है। लेबर रेट से अगर घर बनाने जा रहे हो तो आपको मटेरियल का पूरा नॉलेज होना चाहिए और वो सस्ता पड़ता है। मतलब लेबर आप हायर करो, मटेरियल खुद लो, वो घर सस्ता पड़ेगा। जैसे ये मैं 1650 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ के चल रहा हूँ ना, वो आपको 1450 रुपये में पड़ जाएगा, 1450 पर स्क्वायर फीट में, अगर मटेरियल खुद लेते हो अच्छी क्वालिटी का और लेबर करते हो। और विद मटेरियल अगर लेने जा रहे हो तो एग्रीमेंट पहले करके रखो, पूरा मेंशन करो कौन सा सीमेंट लगाना है, कौन सा क्या है, और एग्रीमेंट में वीडियो बना चुका हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है, वो जरूर देखो कि कौन कैसे एग्रीमेंट आपका होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। अभी मैं ले रहा हूँ अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।